दोस्तों आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या शुगर के पेशेंट्स अंजीर खा सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कब, कैसे और कितनी मात्रा में, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। अगर आपको भी सवाल का जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अंजीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंजीर यानी फिक्स एक स्वादिष्ट फल होता है जिसको अगर ताज़ा खाए तो इसके लाजवाब फायदे होते हैं, लेकिन आजकल ये ड्राई फ्रूट की तरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी हेल्थ बेनिफिट्स से भरपूर होते हैं। ये फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन क्या ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी सेफ होता है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। शुगर पेशेंट्स के लिए डाइट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुश्किल भी होता है। अंजीर में नेचुरल शुगर्स होते हैं क्योंकि मीठा होता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये शुगर्स ब्लड शुगर लेवल को इंपैक्ट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए शुगर पेशेंट्स को अपनी डाइट में अंजीर या कोई भी फल ऐड करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि अंजीर में हाई फाइबर कंटेंट होता है। फाइबर शुगर के अब्जॉर्प्शन को स्लो करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फाइबर रिच फूड्स डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अंजीर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स और भी हैं जो शुगर पेशेंट्स को भी फायदा दे सकते हैं। सबसे पहले अंजीर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी आपकी मदद करते हैं। दूसरा, अंजीर का हाई फाइबर कंटेंट डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी मदद करता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। और अंजीर के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। ये मिनरल जो है वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि अंजीर के इन सारे बेनिफिट्स को देखते हुए शुगर पेशेंट्स को अंजीर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो कैसे और कितना खाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अंजीर का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। अंजीर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 61 होता है, जो एक मीडियम कैटेगरी में आता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी ओर इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो केवल 2 होता है, जो काफी कम है, और यही शुगर के मरीजों के लिए अंजीर को सेफ बनाता है। एक अंजीर खाने के बाद आपको 10 से 15 मिलीग्राम पर डीएल शुगर बढ़ता है, और एक अंजीर से आपको करीब 30 से 35 कैलोरीज मिलती है। तो इस लिहाज से देखा जाए अंजीर शुगर के मरीजों के लिए एक सेफ ऑप्शन है, बशर्ते ड्राइड अंजीर में कुछ अलग से मीठा या शुगर इस्तेमाल ना किया गया हो। अब बात आती है इसे कैसे और कितना खाया जाए। तो देखिए, नंबर एक, अगर आप एक बार में एक अंजीर ही खाएं, शुगर के मरीजों को छोटे छोटे पोर्शंस में खाना अच्छा रहता है। आप एक दिन में मैक्सिमम 1 से 2 अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है। नंबर दो, अंजीर खाने के बाद अपने ब्लड शुगर लेवल्स को जरूर मॉनिटर करें, क्योंकि इसके अंदर शुगर तो होता है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो आप आसानी से 1 से 2 अंजीर पर डे खा सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। नंबर तीन, अगर अंजीर खाने का इरादा हो तो इसको ऐसे फूड्स के साथ कंबाइन कर लें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि इनके साथ मिलाने से जो आपका ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़ेगा, और बाकी फूड के कॉम्पोनेंट्स को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। नंबर चार, हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है, इसलिए अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि आप अपने भोजन में कितने अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज कितने अंजीर खा सकते हैं। हालांकि अंजीर के फायदे हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्सेसिव अंजीर कंजम्पशन से ब्लड शुगर बढ़ सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकते हैं, वेट गेन भी हो सकता है, इसलिए इसको मॉडरेशन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अंजीर के हाई कैलोरी कंटेंट भी होती है, जो वेट बढ़ा सकती है, इसका भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हाई कैलोरी फूड्स को लेने से बचना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। उम्मीद है आपको
आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस नीचे जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन सबके ठीक ठीक जवाब दूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।